इसका रंग भी है कोई ना भूरा दिख रहा ना सफेद दिख रहा है। तो आपको हमारी डोगेटो सर्विसेज कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताना। चैनल आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो अभी सुबह सुबह का समय है, सुबह के बज रहे होंगे करीबन 8 बजने वाले होंगे शायद। और यहाँ पे हमारे बन रहे हैं पोहे, पोहे बन चुके हैं, चाय बनाते हैं जल्दी जल्दी। क्यों मलाई निकाल दे जल्दी, मेरी चाय उबल गई है ना। जब तक नेहा दूध की मलाई निकाली तब तक मैं आपको बात बताती हूँ कि जो घुंघरू के बच्चे थे ना उसमें से हमको आज 2 बच्चे लेके जाने हैं कहीं को, क्योंकि किसी ने मंगाए हैं। अच्छी बात है, बच्चों को घर मिल जाएगा। दोस्तों मैं ना मलाई निकालते हुए एक सिनेमैटिक ले रही थी, लेकिन नेहा बोलती है मत दिखा, नजर लग जाती है। तो ये रहा जी अपना ब्रेकफास्ट, तो ब्रेकफास्ट करते हैं उसके बाद बाकी के काम करेंगे। नेहा कितने बजे जाएंगे हम? अभी क्या रखा हुआ, मैं फिसल गई थी अभी इसके ऊपर, मस्त वाला एकदम मस्त वाला कह रही हूँ अभी मैं। बैठ, कब जाएंगे कह रही हो? 9:30 बजे निकलेंगे। 9:30 बजे निकल जाएंगे घर से? तो हम 2 तो ले जाएंगे, चल फोटो खींच के लाते होंगे, 2 तो ले जाएंगे ना। रुक जा आ रही हूँ। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आज मेरी शक्ल में कुछ फीका फीका है तो आपको सही लग रहा है, क्योंकि भाई देखो मेरी नोज पिन, कल रात को मैं फेस वॉश करके आई ना उसके बाद टॉवल से मैं पूछा तो नोज पिन नीचे गिर गई थी, वो रखी हुई है अभी लगानी है। बाकी पहले हम लोग जा रहे हैं घुंघरू के बच्चे देखने के लिए और आपको भी दिखाते हैं बच्चे सुंदर सुंदर क्यूरीपाइस। ये ले देखो गाइस, नेहा ने ऐसे चप्पल मंगाए थे मेरे से। अरे छोटे बच्चों यहाँ आ गई, अबे कहाँ आ गई, यहाँ पर ये जो बाहर आना चाहते नहीं है वो। इसको देखो गाइस, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो। चलो ये लड़की है, परसों लेके वहाँ रखा, 2 रख के आई मैं और लेकर लेने आ रहे थे, नाले में गिरे ऐसे। चिंटू भी तो गिर जाता था। अभी चलने लग गए ना सब, इधर उधर अपने आप चलने में लगे हुए हैं ये। अभी हमारा काम ये है कि हमें इन बच्चों की फोटो क्लिक करनी है और सबको भेजनी है, जिसको जो चाहिए वो सिलेक्ट करके ले लेगा। चिंटू पे भाग रहा है क्या? ये ना भी यहाँ से नीचे गिर गया था, इतना तेज चिल्लाया ना, ये छोटा बच्चा है। तो अभी हमारा सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमें ले जाने 3 बच्चे, तो हम उन 3 बच्चों को ले जाए कैसे, क्योंकि एक पेटी चाहिए जो कि मिल नहीं रही है। तो हमने डिसाइड करा कि हम बाल्टी में ले जाएंगे, अभी डिसाइड नहीं करा। नेहा के एक बार 3 बच्चों को इसमें डाल के देखते हैं, 3 बच्चे तो नहीं आ पाएंगे क्योंकि छोटी बाल्टी है, 2 तो आई जाएंगे, लेकिन हमको 3 ले जाने हैं। इसके अंदर रखे हैं बच्चे, ये फिर आ गए चिन्नू। हम चिन्नू कह रही हूँ, ये देखो कैसे आ रहे हैं दौड़ दौड़ के, कैसे आ रहे हैं गाइस। हमारे चिंटू जैसा है, तो ये थोड़ा वो है चिंटू जैसा, एकदम चिंटू जैसा है ये वाला। तो हमने इनको, ये 2 ही आ रहे हैं यार इसमें, ये चाट रहे नेहा, ये तो भाई बहुत ज्यादा एक्टिव है ये वाला ना, बहुत ज्यादा एक्टिव है। ये भौंक भी रहा और खेलो खेलो भी कह रहा है, ये देखो पूंछ ला रहे, पूंछ ला रहे। हाँ ये देखो, ये हिल भी नहीं रहे ना, आवाज कर रहे, मतलब ये डर गए, मतलब सही है ले जाने के लिए। अभी समय हो रहा है सुबह के 9:30, घुंघरू को बिस्किट दे रहे हैं, अंदर बंद करें ताकि हमारी पीछे ना आए, क्योंकि भाई उसको टेंशन तो होगी ना, माँ तो माँ ही होती है। आजा चलो आओ बिस्किट खाएंगे, बिस्कुट। तो ये रही जी बाल्टी, और बाल्टी में रख दिया दुपट्टा, इससे बच्चों को गर्म नहीं लगेगा, इसको ढक देंगे ना, ये भी फिर चू 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 करके बाहर को आ जाएंगे। हाँ ये देखो, ये देखो, ये देखो, रुक जा, ये देखो। चलो भैया तुमको घर मिल चुका है, और किसको मिला घर, दूसरा कौन सा है, ये वाला। चलो भैया तुमको भी घर मिल चुका है, तुमको भी घर मिल चुका है, ये अभी ये पूरी जगह ले ली मोटू ने, थोड़ा साइड हो रहे उसको ऐसा जो रही है आप। चलो ये भी आ गया तेरे साथ। एक चीज़ हो रहा है, सबको लड़काई चाहिए, लड़की किसी को नहीं चाहिए। ये 6 बच्चे हैं, 6 में से 4 लड़के हैं, 2 लड़की हैं। बच्चे ले लो, स्कूटी की चाबी भूल गए हैं जी, यहीं तो रखी थी, कहाँ गई यार, मैंने जेब में तो नहीं रख दी। अबे यार जेब में, तेरे 2 बच्चों को घर मिल चुका है, ठीक है अब टेंशन की कोई बात नहीं है। चलो 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 चलो, अरे बाय चिंटू, बाय बाय, आ जा, मुझे लगा तेरे बच्चों को डिक्की में डाल। सो जाओ बच्चों, सो जाओ थोड़ी देर। हम लोगों ने चालू करी है एक नई कंपनी, डोगेटो सर्विसेस, ठीक है, जिसमें हम डॉग्स को डिलीवर करेंगे उनके घरों तक, होम डिलीवरी है दोस्तों। नेहा ये वो जा रही है वो काटने के लिए चलान, मैं वो नहीं लाई हूँ लाइसेंस। आपको स्कूटी का शीशा देख के लग रहा होगा कि हमारी स्कूटी हमने करवा दी है, एकदम नई नवेली चमचमाती दुल्हन जैसी सजा रखी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। एक्चुअली बात ये है कि ये हमारी स्कूटी है ही नहीं, भाभी की स्कूटी है, तो वो हमने उधार में ले रखी है, जब हमारी स्कूटी बन के आ जाएगी तब हम इनकी स्कूटी दे देंगे। तो अभी हमको भरवाने जी तेल, तेल भरवाते हैं पहले। 200 200। हाँ बच्चे क्या कर रहे हैं, सो गए क्या, सो गए बच्चे, देखो कहाँ सोए हैं। बस लगाएगी अब ये जाम। तो देखो गाइस झूले वोले जो है वो सब उतर चुके हैं, क्योंकि मेला जो है वो
खत्म हो चुका है। अभी हम लोग ना दो कुत्ते लेकर आए हैं और हमको चार कुत्ते लेके जाने हैं, तो नेहा कह रही है कि हम आज ही उनको भी ले आएंगे। बट इतने चक्कर काटेगा कौन, कौन सा इतना पास थोड़ी है यार। चलो ये वाला तो कसार देवी पहुँचाना है, लेकिन बाकी के दो और है ना जो, वो हमको पहुँचाने हमारे गाँव, वो हमारे गाँव से मंगवाए किसी ने। तो जी अभी हम लोग पहुँच चुके हैं कसार देवी वाली रोड में और यहाँ पर काफी ज्यादा गड्ढे हैं, तो हमको स्कूटी बहुत ज्यादा अच्छे से चलानी पड़ेगी क्योंकि पीछे बैठे हैं दो मासूम छोटे छोटे बच्चे। कहाँ को है घर, यहीं को है घर, यहाँ लगा दूँ? वो जो बच्चे हाथ से काम पकड़ रही, जो बच्चे को छोड़ते मेरे पैर, ये कीड़ा चल तू, मेरे को रास्ता ही नहीं पता है, तू आइए पहले यहाँ पे। तो मैं आज पहली बार दीपिका भाभी के घर जा रही हूँ, तो इसलिए मुझे रास्ता नहीं पता है। बाकी नेहा ले जा रही है, नेहा को पता है रास्ता, इसको हर जगह का रास्ता पता होता है। भाभी जी बाल्टी में बच्चे लाए, इतना सुंदर बच्चा है भाभी जी, ये देखो ये कितना सुंदर है। मुझे मैं इसको ले जा रही हूं। दीदी इसको तुम ले जाओ। क्यों, ये जो सुंदर है, ये सुंदर लग रहा है, ये सुंदर है। इसका मुंह दिखाओ फिर, इसका रंग भी है कोई ना, भूरा दिख रहा ना सफेद दिख रहा मल्टी कलर पहला बन गई, मुझे मार दी क्या उस कुत्ते देखे यार ये दोनों देखे होंगे। ये लो पकड़ो अपने बच्चे, अपने बच्चों को पकड़ो, मुझे मत हो यार, मेरे को डर लगती कुत्तों से। अच्छा चलो, दो बच्चों को उनका घर तो मिल गया, बाकी दो को भी मिल ही जाएगा। और एक खुशखबरी की बात यह है कि मेघा दी ने बोला है कि एक लड़की भी लेके आ जाना, तो सारे बच्चे जा चुके हैं अपने अपने घर में, मतलब चले जाएंगे, एक लड़की बची है बस, उसको भी घर मिल जाए बस। बाकी हम लोग चलते हैं जी अपने घर में, वो बाकी के दो बच्चे भी लेकर आए, फिर तीन लेके आने ना वहाँ पर, तो दोबारा से तीन हो गए ना। चाबी दे स्कूटी की तेरे पास है, चलूँ? ऐसा लग रहा है जैसे अभी भी पीछे बच्चे बैठे हुए हैं। मैं धीरे धीरे चला रही थी अभी तक। हाँ मैं कह रही थी बाल्टी में बच्चों को यहाँ पे रख देंगे, बाल्टी नहीं रिस्की हो जाएगा ना, सफेद वाले को तो हाथ में रख लेना, बाकी को तो बाल्टी में आगे रख देंगे, रिस्की भी है। खैर मैं बोलती हूँ बट डर तो मुझे भी लगे रहे। क्या हो गया, क्यों रुकी है स्कूटी? GoPro हैंग हो गया। लाइट जल रही है मतलब रिकॉर्डिंग ऑन है, लेकिन रिकॉर्डिंग ऑन है ही नहीं, यहाँ पे काउंटिंग हो ही नहीं रही है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको ये निकालेंगे इसका ढक्कन, ये एक बार इसकी बैटरी निकालनी पड़ती है फिर डालनी पड़ती है तब जाके सही होता है। कोई बोलेगा ये 50,000 का कैमरा है, कोई समझेगा चोर बाजार का सस्ता माल है मेरे पास, लेकिन नहीं भैया ओरिजिनल GoPro है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे उसमें दिक्कत हो रही है, क्योंकि काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि आप इसको रिप्लेस कर दो या इसको दिखाओ, लेकिन ये ना हर किसी के उसमें दिक्कत होती है, मतलब सारे GoPro ऐसे ही होते हैं, GoPro में ही दिक्कत है। नहीं इलेक्ट्रिक वाली नहीं है, बाइक है, लेकिन भाई खतरनाक धुआं छोड़ के जा रही है। तो अरे अंकल जी सर्विसिंग करा लो। फाइनली घर पहुँच चुके हैं दोस्तों। चिंटू तुम मेरे से मिलने आए फिर? चलो गुड बॉय हिमुली हॉलदार की चले हिमुली। पानी प्यास लग रही है, ये सपना से मांग ले पानी दे दो बोलना। तो हम लोग ना अपने घर को नहीं जा रहे हैं, इसलिए हम सपना से बाहर से पानी मांग रहे हैं, और हम जा रहे हैं वापस से बच्चे डिलीवर करने के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने डोगेटो कंपनी शुरू करी है, तो गाइस सपोर्ट अस। और बस अरे छोटे बच्चे यहाँ पर हैं, और इन दोनों में से लड़का कौन सा पता नहीं, ये लड़की है जो कि अब अरे क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, ये वाला नया मेरे को तो वो इससे ज्यादा अच्छा वो लग रहा है, मतलब वो लड़की है ना, लड़कों की डिमांड ज्यादा है भैया। चलो भैया तुमको भी घर मिल चुका है, ये चिनू तो क्यों डरता है छोटे बच्चों से, डर रहा है यार, छोटे से तो है पता नहीं क्यों डरता है, तू भी पहले ऐसी था। ओ भैया तू भी पहले ऐसी था, ऐसी तो था तू भी, ले सुंकू कर ले। ओ जब बाहर आ रही है, बाहर आ रही है। अरे नेहा घुंघरू को हमने यहाँ बंद किया था, इसको तुमने देखा ही नहीं। ओ जा कहाँ सोई कोने में मूड घुसा के बेचारी, सो जा लेके जाएंगे बोलना। अच्छा ठीक है, तुम्हारी दुकान में तुम्हें चाहिए, तुम रख रहे हो क्या? तो गाइस हम लोग फिर से निकल चुके हैं बच्चे डिलीवर करने के लिए, और अब हमको जाने थोड़ा और दूर, कसार देवी से थोड़ा और दूर जाने, अपने गाँव जाना है बोले तो। यहाँ पीछे कार थी ना, कार उसके पीछे लिखा हुआ था कैंपिंग विद डॉग्स, कार के पीछे लिखा था, और यूट्यूब और फेसबुक उसमें वो भी लगाया हुआ था, लोगो भी लगाया हुआ था, चैनल का नाम होगा ना शायद, चेक करेंगे घर जाके यूट्यूब पर। तो ये हम लोग पहुंच चुके हैं गैरार्ड गोलू देवता के मंदिर के पास, और यहाँ से अब थोड़ा ही है, मतलब 4-5 किलोमीटर और होगा शायद, फिर हम लोग पहुंच जाएंगे जहाँ पर हमने इन बच्चों को छोड़ना है। तो ये हम लोग पहुंच चुके हैं जी अपने गांव की तरफ, यहाँ से नीचे को जो कच्चा रास्ता जा रहा है पतला सा, ये जाता है हमारे गाँव को, बाकी हमने बच्चे देने थोड़े से और आगे, यहाँ रखने बच्चे ले आऊं? चलो बच्चो, अरे यार इनको गर्म हो गया बहुत ही। नहीं अब तो चला रही स्कूटी, मेरे सर दर्द हो रही, प्लीज मैं थक गई हूँ। नहीं नहीं प्लीज अभी तुझ मेरे को रील, हाँ शर्ट चेंज कर ले, इसके बाजू फूल यहाँ तक है ना, और ये इसके बाजू यहीं तक ही है। चार बच्चे हमने दे दिए, दो और बच्चे, एक तो बुक हो रखा है, बाकी एक लड़की है वो पता नहीं अकेले कैसे रहेगी अब, मतलब अल्मोड़ा में दो ही कुत्ते बच्चे हैं,
तो अभी दो तो साथ में रहेंगे, बाकी एक वाइट वाला जो है वो हम कल लेके जाएंगे। अब घर हम लोग पहुंच चुके हैं और आज के मोटो लोगों में पता नहीं मेरी आवाज आई कि नहीं आई, मुझे पता ही नहीं, क्योंकि जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अमेजोन से आया है अपना एक पार्सल, इसमें क्या है ना अगले व्लॉग में पता चलेगा। तो आपको हमारी डोगेटो सर्विसेज कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताना। हमने सारे कुत्तों को उनके उनके घर पहुंचा दिया है। व्लॉग करते फिर समाप्त, अगले व्लॉग में मिलेंगे। टिल देन ख्याल रखें अपनों का। बाय बाय।